हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। और मेरी आज की रेसिपी है बनाना पैनकेक की। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ये बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आता है। आप इस वीकेंड इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही इजीली घर पे बन जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं बनाना पैनकेक की रेसिपी। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे दिया गया रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और उसके नीचे दिया गया जो घंटे का बटन है आप उसे भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बनाएंगे बनाना पैनकेक। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है ये देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो बनाना लिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे बनाना पका हुआ होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इसे हमें मैश करके लेना है। और यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर, और यहाँ पे मैंने एक कप दूध लिया है, और यहाँ पे हमें 4 से 5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लिए हैं, और ये पाउडर्ड शुगर लिया है मैंने 1/2 कप। यहाँ पे मैंने ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है, और ये मैंने वनीला एसेंस लिया है इसमें फ्लेवर डालने के लिए। तो चलिए बनाते हैं बनाना पैनकेक। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और ये बनाना का छिलका हटा के इस तरीके से हम ले लेंगे और इसे फॉर्क की सहायता से अच्छे से मैश कर देंगे। आप इसे हैंड मिक्सर से भी मैश कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अच्छे से हमें मिक्स करना है। और अब हम इसमें दूध मिलाएंगे हल्का हल्का और पाउडर्ड शुगर। यहाँ पे दूध और पाउडर्ड शुगर के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक छन्नी लेंगे, उसमें ये रिफाइंड फ्लोर और ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे छान के ले लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसे बैटर में अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हल्का हल्का दूध पूरा 1 कप मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एंड में इसमें वनीला एसेंस डालेंगे फ्लेवर के लिए। ये देखिए, वनीला एसेंस से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए आप वनीला एसेंस ज़रूर यूज़ करें। और इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा पैनकेक का बैटर अब तैयार हो गया है। अब हम एक पैन, दोस्तों नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करें आप। ये पैन हम अच्छे से गर्म करके हल्का सा ऑयल डालेंगे और यहाँ पर 1 चम्मच हम पैनकेक का बैटर डालेंगे। ये देखिए बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बबल्स दिख रहे हैं ये देखिए। अब हम इसे सावधानी से पलट लेंगे। ये देखिए बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब हमारा नीचे से कुक हो गया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है दोस्तों, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अब हमारा दोनों तरफ से सिक गया है। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं एक और पैनकेक बना के दिखाती हूँ आपको। इसी तरीके से आप सारा पैनकेक बना ले और इसे हनी या चॉकलेट में, चॉकलेट सॉस जो आता है आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, हनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पैनकेक अब तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।